Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel with another new vlog. So guys, आज है अश्विका के जब बर्थडे, जैसे कि आपको बताया गया, और काफ़ी जोर शोर से हो रही है तैयारी. तो तैयारी शुरू हो चुकी है हर्षिका की बर्थडे की. हर्षिका भी सो रही है तो उसको एक सरप्राइज़ देने के लिए तो हम डेकोरेशन करना शुरू कर दिए हैं. उनके डैडी जैसे कि हर साल वही करते हैं तो लगे पड़े हैं डेकोरेशन करने में. यहाँ पर देख सकते हैं ये बलून वगैरह भी फुला रहे हैं, बना रहे खाना बना रहे हैं, और गेस्ट का भी पता नहीं है, अभी कोई आया नहीं है, और देखते कब तक कौन आता है. और हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, देखते हैं हमारा जो फर्ज है हम अपना पूरा कर रहे हैं. अब हंसे क्यों इतना, ये मेरे ब्लॉग्स पे हंसते रहते हैं लोग, तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए ताकि जैसे हंसने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चिकन बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुर्गा चावल चलेगा आज पार्टी में, तो सब ज़्यादा बनाना था तो मैंने दोपहर से शुरुआत कर दिया. ऐसे मुर्गा बन जाएगा और उसके बाद चावल गरम गरम उसी टाइम बनेगा और खाएंगे. तो फटाफट मैंने देख सकते हैं बना चुकी हूँ इधर, एक दो तीन बार करके मैंने बनाया, और बनाने के बाद मैंने सबको अच्छे से रख दिया. उसके बाद हम लोग रेडी होंगे, तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आज चलेगी मुर्गे भात की पार्टी. तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारी हर्षिका तैयार हो चुकी है. हर्षिका तैयार हो गई है, देख सकते हैं. और ये हर बार पिंकी बन जाती है क्योंकि इसको पिंक बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो सारे ड्रेस इसकी पिंक हो जाती है. तो और रेडी भी हो गई है, और हमारा रूम भी इसका रूम भी हमारा रूम भी हॉल भी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं. तो ये भी बहुत ही सुंदर सा मेरी जान. तो हमारा हॉल भी रेडी हो चुका है, पूरा डेकोरेशन हो चुका है. तो फ्रेंड्स, बेटी तैयार हो गई है, बेटी की मम्मी भी रेडी हो गई है, और बेटी के पापा भी रेडी हो गए हैं जो फोटो खींचने में लगे हैं. मेरी बहुत अच्छी फोटो खींची है इस फोटो में. तो हम सब लोग रेडी हो गए हैं और हमारा घर डेकोरेशन हो गया है काफी सुंदर. तो देख सकते हैं हमारी तितली को देखो, तितली फड़फड़ा रही है कुछ ज्यादा ही. Thank you.
हैप्पी बर्थडे टू यू। दो दो गिफ्ट दे दो, सब के फोटो खींचिए। हाँ ले बाबू, ये तो हाँ इधर निकाल के दो दो सामने आएंगे। ले बाबू ये पकड़ो, तो हाथ लगा रहा है, पहले हाथ लगा दे। हाँ हो गया फोटो। फोटो पे नहीं किया होगा। हो गया, हाथ लगा दीजिए, हो गया। अभी अपने इधर यार छुप गई, रख लेते हैं, रख लेंगे, गिर जाएगा, गिर जाएगा। दोबारा नहीं फूटा हो, क्या दोबारा नहीं फूटा, फूटेगा बड़ो बड़ो। अरे पड़े 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 पड़े, हाँ चलिए हो गया। हमने हर्षिका के बर्थडे मना लिया और सभी को खाना वगैरह खिला दिए, सभी लोग अपने घर जा चुके हैं और इस सब चक्करों में हम भूल गए अपनी बेटी का खुद गिफ्ट देना। तो ये अभी मैं गिफ्ट लेके आई हूँ और अभी मैं गिफ्ट दूंगी अपनी बिटिया रानी को, ये लीजिए। तो अभी मैंने गिफ्ट दिया और हर्षिका के डैडी जी ने भी गिफ्ट दिया अभी। अभी हम सब ने अभी गिफ्ट दिया है हर्षिका को। तो ये मम्मी डैडी का सबसे लेट गिफ्ट मिला है, ये ये है मम्मी का गिफ्ट। हाँ तो मम्मी पापा का सबसे लेट में गिफ्ट मिला है और सभी लोगों के जाने के बाद, क्योंकि हम लोग भूल गए काफी सब कुछ करने के चक्कर में। तो हर्षिका हमारा गिफ्ट मिलते ही खोलने लगेगी, सबसे पहले अपनी मम्मी का गिफ्ट खोल रही है, नहीं सबसे पहले डैडी का खोली थी, सुबह भी खोली थी गिफ्ट एक, और अब खो रही है मम्मी का गिफ्ट। देखा देखा हर्षिका, हर्षिका मम्मी का गिफ्ट खोलने में व्यस्त है। ये वाला खोल देखते हैं क्या है। हर्षिका तो सबर ही नहीं हो रहा था उसे मम्मी का गिफ्ट खोलना है। ये क्या है हर्ष? पैसे जमा करने वाला बैंक है, ये बैंक। इसके अंदर चाबी है, देखो इसमें ताला बंद है। उसके अंदर चाबी भी है। अब हर्षिका इसमें पैसे जमा करेगी ना आशु, इसलिए दिया है मम्मी ने। उसमें लॉक भी कर देंगे और उसमें पैसे भी रख देंगे। कैसा लगा आशु?
आशु का कैसे लगा बताओ? अच्छा, ये देखिए आशु ने लॉक भी खोल दिया है। सीधा तो रखो अपने छोटे से बैंक को ऐसे। ए, उसके अंदर नहीं डालते, उसके अंदर से पैसे डालेंगे, ठीक है? दो पैसे अभी देती हूँ मैं आपको, पैसे भी देती हूँ जो आपके मैंने इकट्ठे करा। आशु कब खोल रही है अपने डैडी का गिफ्ट? अब खोल चुकी है आशिका अपने डैडी का गिफ्ट। पापा का तो एक सुबह भी मिल चुका है ना, वो वाला ही पसंद आया। हाँ, डैडी तो मेरे से चीटिंग करते हैं, बोलते हैं मैं एक दूंगा और दो दो देते हैं। वाओ, ये क्या है? ये कलरिंग गेम है, कुछ नोट्स है। देखिए निकालिए तो इसको। सबसे पहले तो आपके लिए ये है। आशु पापा मेरे से चीटिंग करते हो। इसके बाद मैजिक बुक है, देखिए मैजिक वाली बुक है। इसके अंदर पेन है और उसके रिफिल्स हैं, ठीक है? और लिखते हैं ना, काउंट। मान लीजिए ये पेन है आपका ना, इसमें सिक्का डालना होगा पहले, इसमें से इंक डाल लीजिए। एक ये इंक डाल लेते हैं हम लोग। मैंने देखा था वीडियो में। हाँ, ये देखो इसमें ना बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर लिखेंगे ऐसे। तू थोड़ी देर में ना ये अपने आप गायब हो जाएगा, ये यहाँ लिख देंगे तू ऐसे, है ना? ये तो छोटे बच्चों का है, बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चों का, जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है। हाँ, थोड़ी देर में अपने आप लिखा हुआ गायब हो जाएगा। हाँ, तो ये तो छोटे बच्चों का, मेरी हर्षु को तो सब कुछ आता है लिखना। इससे राइटिंग सुंदर होगी, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे राइटिंग। छोटे बच्चों छोटे बच्चों वाला गिफ्ट दिया है। छुपी हुई क्या? उसको पकड़ने के पसंद आने दो। हाँ, इसमें देखो प्लस माइनस भी है। और इसमें देखो ड्राइंग भी है, ये ड्राइंग बनाने वाला आपको बनाने आएगा कैसे बनाते हैं। और ABCD का राइटिंग वाला भी है, कितना सुंदर। ये इसको ना ड्रॉअर में रख लेता हूँ मैं अपने, ठीक है? ये पेन अभी रख लो, जब खत्म हो जाएगा। आज अब बताओ, अब मम्मी का गिफ्ट पसंद आया है डैडी का? मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। हे एवरीवन, यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया, काफी रात हो गया था, बहुत थक भी गए थे। चलिए दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक सभी को बाय बाय।